हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी। इंग्लिश मेड इजी में आज हम कैज्यूटिव वर्ब्स सेंटेंसेस वो पढ़ेंगे। अब हम कैज्यूटिव जो वर्ब्स होते हैं हिनन जुमलन में ब फाइल होता है, एक सिद्धो फाइल डायरेक्ट सब्जेक्ट और एक अण सिद्धो फाइल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। अण सिद्धो फाइल पान कम न कंदो आए पर सिद्धे फाइल खां कराइंदो आए। गेट हिनन जुमलन में मददगार फैल जी हैसियत से इस्तेमाल कई वेंदी है। तो इसमें दो फाइल होते हैं, एक डायरेक्ट सब्जेक्ट जिसे हम सीधा फाइल कहते हैं और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फाइल। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट जो फाइल होता है खुद काम नहीं करता, वो डायरेक्ट फाइल से काम करवाता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो गेट इस्तेमाल होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो गेट है। अब हम देखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होगी। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सबसे पहले हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट लास्ट में। सो एग्जांपल्स हम देख लें। इसके जो एग्जांपल्स ये हैं, मैंने कॉबलर से बूट पॉलिश करवाएं, मैंने धोबी से कपड़े वॉश करवाएं, तो मैंने उससे अपना घर का काम करवाया, मैंने उससे ख़त लिखवाया, मैंने जो नाई है उससे अपने हेयर कट करवाए। तो किसी से हम काम करवाएं, तो इसमें ये कैज्यूटिव वर्ब सेंटेंसेस जिसमें गेट इस्तेमाल होता है, इसकी हम मिसाल ले लें। पहला मिसाल ये है, जन्नत गेट्स हर होमवर्क डन बाय सना। जन्नत सना का घर जो कम कराई थी, या जन्नत सना से अपने घर का काम करवाती है। अब इसमें देख लें, जन्नत इनडायरेक्ट सब्जेक्ट और गेट्स हेल्पिंग वर्ब और हर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है और डन डू की तीसरी फॉर्म और बाय और सना है डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो इसमें जो इनडायरेक्ट फाइल होता है वो खुद काम नहीं कर रहा, सीधे फाइल से जो डायरेक्ट फाइल है उसे काम करवा रहा है। तो देख लें, ये इनडायरेक्ट, ये खुद काम जनत काम नहीं कर रही है, वो सना से काम करवा रही है, सना एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो इस किस्म की ये स्ट्रक्चर है। अब हम दूसरे मिसाल इसके मज़ीद ले लें। स्टूडेंट गेट्स डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय अ डॉक्टर। शागिर्द डॉक्टर का कागज़ तस्दीक कराए थो या अटेस्ट कराए थो, शागिर्द डॉक्टर से कागजात तस्दीक करवाता है। तो इसमें भी आप देख लें, स्टूडेंट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट गेट्स हेल्पिंग वर्ब और डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट अटेस्टेड वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय और उसके बाद डॉक्टर डायरेक्ट सब्जेक्ट। तीसरा मिसाल, यू गेट शूज पॉलिश्ड बाय कोबलर। तहां मोची का बूट पॉलिश करायो था, आप मोची से बूट पॉलिश करवाते हैं। तो ये भी देख लें आप, यू इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, गेट क्या है हेल्पिंग वर्ब है, शूज़ क्या है ऑब्जेक्ट और पॉलिश्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय और उसके बाद कोबलर डायरेक्ट सब्जेक्ट। चौथा मिसाल हम ले लें, शी गेट्स क्लॉथ्स आयरन बाय वॉशरमैन। वो धोबी का कपड़ा इस्त्री कराए थो, वो धोबी से कपड़े इस्त्री करवाता है। तो यानी कि देखें, ये है शी है इनडायरेक्ट, वो किसी डायरेक्ट वॉशरमैन से क्या करवा रही है, काम करवा रही है, यानी कि कपड़े इस्त्री करवा रही है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी सेम है। अमजद गॉट दीफ अरेस्टेड बाय पुलिस। अमजद चोर के पुलिस का गिरफ्तार करायो। सो होप के आप इसकी जो स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।